तुम्हें अपनी पढ़ाई में और मेहनत करनी चाहिए। कल स्कूल से आने के बाद अपना होमवर्क पूरा करोगे तुम। दोपहर को सोना बंद, जोक्स की किताबें नहीं पढ़ोगे और अपना रूम भी साफ करोगे ताकि अपनी लाइफ को बेहतर बना सको। समझे कि नहीं? और अगर तुमने इस बार मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी खैर नहीं, समझे? बताया हथौड़ी, मम्मी ने इस बार कुछ ज्यादा ही पढ़ाई के लिए लेक्चर दिया। इतनी पढ़ाई करूँगा तो लाइफ एंजॉय कैसे करूँगा? तुम ही बताओ क्या कर सकता हूँ। हथौड़ी बताओ ना, मम्मी के लिए कोई निंजा टेक्निक है क्या? तुम्हें पढ़ाई में मेहनत करनी चाहिए के नीची। ये क्या हथौड़ी, अब तुम भी मम्मी की तरह मुझे लेक्चर देने लग गए हो। मैं तुम्हें लेक्चर नहीं दे रहा, बस समझा रहा हूँ। समझना है तो समझो, वरना आगे तुम्हारी मर्जी। मैंने हथौड़ी से बात की पर उसने भी मुझे मम्मी की तरह लेक्चर दिया, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ शिंजो और शिशिमानु। अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, जरूर करेंगे। बहुत बढ़िया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी शिंजो। जब शिंजो है शायद तो दल की क्या बात। अब कहाँ ढूंढे? इसमें है भलकना, इसमें है बौखलाना और कहाँ है? ओ हाँ, मिल गया। इसमें है गुस्से को शांत कैसे करें और चिंता कैसे दूर भगाएं। अरे वाह, ये हुई ना बात। शिंजो की जय हो। आगे क्या लिखा है? इन तीनों का क्या चल रहा है? मुझे इन पर नजर रखनी होगी, खासकर शिंजो पर। अभी ट्राई करके देखता हूँ क्या लिखा है इसमें। हाँ, मिल गया। देखे दीजिए वाली निंजा टेक्निक तथास्तु। आज के लिए इतना ही काफी है, थोड़ा बहुत कचरा होगा तो क्या, आराम करती हूँ। हाँ हाँ। अरे वाह वाह शिंजो, तुम्हारा जवाब नहीं। मैं तो ही ना सबसे बेस्ट। नहीं, अच्छा तो शिंजो ने टेक इट इजी वाली निंजा टेक्निक यूज की। शिंजो, अब जब मैं जोक बुक पढ़ूंगा तब इस टेक्निक का मम्मी पर यूज करना। ओके अच्छा तो तुम यहाँ पर छिपे हो, वो भी जोक बुक और कुकीज के साथ। अब तुम्हारी खैर नहीं। ये क्या, अकेले अकेले कुकीज खा रहे थे तुम? हाँ, मैं भी खाऊंगी, कितने टेस्टी है ये। अकेले अकेले कुकीज खा रहा था। क्या बात है, शिंजो फिर पास हुआ। खाना तैयार है बच्चों? हाँ मम्मी, आ गए। हाँ, क्या बनाया है? ये क्या, फिर वही घास फूस? ये कौन खाएगा? और कुछ खाने के लिए नहीं था क्या? ये फ्रेश हरी सब्जियाँ हैं, घास फूस नहीं। नखे मत करो बच्चों, फ्रेश हरी सब्जी खाने का मजा ही कुछ और है। देखो ऐसे, स्वादिष्ट और पौष्टिक। मम्मी इस वक्त शॉपिंग जा रही है, हमें भी उनके साथ जाना चाहिए। हाँ तो चलो, मैंने कब मना किया? मम्मी, हम हमेशा उस डिस्काउंट वाली शॉप में जाते हैं, आज नहीं जाएंगे? टेक इट इजी केनिची, तुम्हें अपनी पढ़ाई में और मेहनत करनी चाहिए। कल स्कूल से आने के बाद अपना होमवर्क पूरा करोगे तुम। दोपहर को सोना बंद, जोक्स की किताबें नहीं पढ़ोगे और अपना रूम भी साफ करोगे ताकि अपनी लाइफ को बेहतर बना सको। समझे कि नहीं? और अगर तुमने इस बार मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी खैर नहीं, समझे? बताया हथौड़ी, मम्मी ने इस बार कुछ ज्यादा ही पढ़ाई के लिए लेक्चर दिया। इतनी पढ़ाई करूँगा तो लाइफ एंजॉय कैसे करूँगा? तुम ही बताओ क्या कर सकता हूँ। हथौड़ी बताओ ना, मम्मी के लिए कोई निंजा टेक्निक है क्या? तुम्हें पढ़ाई में मेहनत करनी चाहिए के नीची। ये क्या हथौड़ी, अब तुम भी मम्मी की तरह मुझे लेक्चर देने लग गए हो। मैं तुम्हें लेक्चर नहीं दे रहा, बस समझा रहा हूँ। समझना है तो समझो, वरना आगे तुम्हारी मर्जी। मैंने हथौड़ी से बात की पर उसने भी मुझे मम्मी की तरह लेक्चर दिया, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ शिंजो और शिशिमानु। अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ जरूर करेंगे। बहुत बढ़िया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी शिंजो। जब शिंजो है शायद तो दल की क्या बात। अब कहाँ ढूंढे? इसमें है भलकना, इसमें है बौखलाना और कहाँ है? ओ हाँ, मिल गया। इसमें है गुस्से को शांत कैसे करें और चिंता कैसे दूर भगाएं। अरे वाह, ये हुई ना बात। शिंजो की जय हो।
आगे क्या लिखा है? इन तीनों का क्या चल रहा है? मुझे इन पर नजर रखनी होगी, खासकर शिंजो पर। अभी ट्राई करके देखता हूँ क्या लिखा है इसमें। हाँ, मिल गया। देखिए दीजिए वाली निंजा टेक्निक तथास्तु। आज के लिए इतना ही काफी है, थोड़ा बहुत कचरा होगा तो क्या, थोड़ा आराम करती हूँ। अरे वाह वाह शिंजो, तुम्हारा जवाब नहीं। मैं तो ही ना सबसे बेस्ट। नहीं, अच्छा तो शिंजो ने टेक इट इजी वाली निंजा टेक्निक यूज की। शिंजो, अब जब मैं जोक बुक पढ़ूंगा तब इस टेक्निक का मम्मी पर यूज करना। ओके अच्छा तो तुम यहाँ पर छिपे हो, वो भी जोक बुक सब कुकीज के साथ। अब तुम्हारी खैर नहीं। ये क्या अकेले अकेले कुकीज खा रहे थे तुम? हाँ मैं भी खाऊंगी, कितने टेस्टी है ये। अकेले अकेले कुकीज खा रहा था। क्या बात है शिंजो, फिर पास हुआ। खाना तैयार है बच्चों? हाँ मम्मी आ गए। क्या बनाया है ये? क्या फिर वही घास फूस? ये कौन खाएगा? और कुछ खाने के लिए नहीं था क्या? ये फ्रेश हरी सब्जियां हैं, घास फूस नहीं। नखरे मत करो बच्चों, फ्रेश हरी सब्जी खाने का मजा ही कुछ और है। देखो ऐसे स्वादिष्ट और पौष्टिक। मम्मी इस वक्त शॉपिंग जा रही है, हमें भी उनके साथ जाना चाहिए। हाँ तो चलो, मैंने कब मना किया? मम्मी हम हमेशा उस डिस्काउंट वाली शॉप में जाते हैं, आज नहीं जाएंगे? टेक इट इजी कैनिची। आज अगर वो आ जाए तो बात बन जाए। लो वो आ गई। अब मैं क्या करूँ? यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, किसको बताऊँ मेरे दिल की बात? वो आ रही आ रही है, उससे मिलूंगा, बातें करूँगा। हाय हेलो, कैसी हैं आप? मैं आपसे पूछना चाहता था कि कहाँ गई, गायब? आप ऊपर? बॉस आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो तुम वाकई एक सिली बिल्ली हो क्यों? तो तुम्हें वो बिल्ली पसंद है हा? बॉस पता नहीं कैसे कहूँ, लेकिन वो मुझे इस मच्छी की तरह अच्छी लगती है। अगर ऐसी बात है तब तो तुम्हें निंजा गुलाब के फूल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या समझे? क्या निंजा गुलाब का फूल? सो कूल। हाँ वो एक गोगा फूल है जो बहुत ही खूबसूरत होता है। उस फूल के स्मेल से निंजा स्पेल होती है जिसे कोई भी खींचा चला आता है। इसका झटपट करो खटपट फॉर्मूला बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम निंजा ट्रेनिंग से इसे सीख जाओगे। वाह बॉस आप कितने अच्छे हैं। ठीक है कियो, तारीफ बहुत होगी, अब जाओ अपने काम पर लग जियो, अब यही टाइम खोटी मत करो, चलो जाओ, समझ रहे हो ना? जाओ यहाँ से। आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर बॉस। अब जरा रेसिपी बुक देखता हूँ, इसमें लिखा है 500 घंटे तक लगातार मिक्स करते रहो और उबालते रहो। क्या कहा? 500 घंटे तक? कोचिंग। इसे घुमाते घुमाते कहीं मैं भी ना घूम जाऊं। क्यों क्यों क्या हाल है? मत पूछिए बॉस, बुरा हाल है। अरे ऐसी भी क्या बात है, मैं कुछ हेल्प करूं क्या तुम्हारी? बॉस आप बहुत ही अच्छे हैं, आप महान हैं, आइए। मैं तो मजाक कर रहा था कियो। अरे तो क्या रहे हो कियो, सारा मिक्सचर जल जाएगा। करिए बॉस। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके कियो, मैं तो चला, तुम लगे रहो। पक जाऊंगा मैं, पक। तारीख पे तारीख। ये जड़ी बूटी पकाते पकाते मैं पक गया हूँ। तारीख पे तारीख। हाँ, क्या खुशबू है। ओए क्यों जल्दी से स्टोव बंद कर दियो।
लो बंद कर दिया। चलो कियो 500 घंटे पूरे हुए। सच में बॉस? अब तुम्हारा काम हो गया समझो कियो, हो गया। क्या बात है, क्या खबर सुनाई है बॉस? अब सोते ही रहोगे या इस गुलाब पर मिक्सचर भी लगाओगे? चलो जल्दी करो। ओके बेंटन, आज मैं उसे ये प्यारा सा गुलाब दूंगा और उसके साथ लंच करूंगा। थैंक यू बॉस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टको टको। अब जबकि ये जड़ी बूटी तैयार हो ही गई है तो क्यों ना मैं भी युमिको को गुलाब का फूल दे ही दूं। युमिको, एक फूल तुम्हारे नाम। वाह वाह, आज तो मजा आएगा।